हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। सो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स प्ले मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? एक टॉपिक है जिसके बारे में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? तो वो टॉपिक है ग्रीन बिल्डिंग्स। क्या है ग्रीन बिल्डिंग्स? तो आज के वीडियो में आपका टॉपिक तो मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आप सबको पता है, बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग्स। पहले तो डेफिनेशन दे देता हूं, जो कि आपकी लैंग्वेज होती है। तो डेफिनेशन होती है, इको फ्रेंडली बिल्डिंग इज कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग्स। इको फ्रेंडली बिल्डिंग इज कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग्स। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे लगा दो, दैट इज कॉल्ड ग्रीन बिल्डिंग? नहीं। चलो आसान भाषा बताता हूं। आपके एनवायरमेंट के लिए जो बिल्डिंग्स अच्छी हो, आपके एनवायरमेंट के लिए जो बिल्डिंग अच्छी हो, उस बिल्डिंग को बोलते हैं ग्रीन बिल्डिंग्स। अब एनवायरमेंट के लिए कौन कौन से फॉर्म में आप अच्छी कर सकते हो बिल्डिंग को? एनवायरमेंट के लिए वाटर के फॉर्म में, अगर वाटर का लॉस नहीं हो रहा है, वाटर का लॉस नहीं हो रहा, वाटर को आप रीयूज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? आप एनवायरमेंट को सेव कर रहे हो, करेक्ट। तो क्या हो गया? ग्रीन बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट हो गया वाटर सेविंग्स। जैसे कि आप सब नॉर्मल बिल्डिंग्स में देखते होंगे, वहां पर वाटर आया ऊपर से, बट उसके बाद कहीं पर ड्रेन हो गया, पता नहीं चल रहा है। बट अगर उसी को स्टोर कर लिया, एक अच्छी जो बिल्डिंग्स है उनमें क्या होते हैं, स्टोर कर लिया जाता है एसपीटी टैंक वगैरह के थ्रू, क्लीन कर लिया जाता है, तो क्या होगा? ग्रीन बिल्डिंग का एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना देते हैं। चलिए, तो वाटर कंट्रोल कर लिया। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करता है ग्रीन बिल्डिंग। क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करता है। कैसे भाई? वो सोलर पैनल लगा देते हैं। सोलर पैनल लगाने से क्या होता है, आजकल तो विंडो में भी सोलर पैनल लगने वाले हैं, लग रहे हैं, और रूफ वगैरह पर तो लगते ही लगते हैं। उससे क्या होता है, आप पानी गर्म करते हो, तो आपके घर में जो सोलर पैनल अगर लगा हुआ है, तो उससे आराम से आप पानी गर्म कर सकते हो, उसका चार्ज नहीं लग रहा है आपका, ठीक है? आप अगर सोलर पैनल यूज किए हो, तो उसके थ्रू आपके जो कॉलोनी है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है, वो उसी से कवर अप हो जाती है। वहां से भी क्या हो रहा है, आपके पैसे सेव हो रहे हैं, ठीक है? तो लाइट की सेविंग के लिए भी आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हो, सोलर पैनल यूज कर रहे हो। ये भी ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। बट केवल सोलर पैनल लगाना ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना। सोलर पैनल हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना, ये भी ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तीसरा, रिसाइकिल मटेरियल यूज करना। क्या करना? रिसाइकिल मटेरियल यूज करना, स्लैब के लिए रिसाइकिल मटेरियल यूज करना, पेमेंट्स बनाना अगल बगल आपकी बिल्डिंग के आसपास, तो पेमेंट्स बनाने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो, रिसाइकिल मटेरियल यूज कर सकते हो, वो भी तीसरा टर्म्स है आपका इसके लिए। चलिए, और क्या बोलते हैं, इसके साथ ही साथ आप अच्छे अच्छे वहां पर ट्रीज लगाते हो, ठीक है? ट्रीज लगाने से क्या फायदा होता है, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, पॉजिटिविटी मिलती है। और दूसरी एक अच्छी चीज ये होती है कि वहां पर क्लीनिंग्स ज्यादा रह जाती है, ओके? तो ये सब काम अगर आप करते हो, तो ये बिल्डिंग्स आपकी क्या हो जाती है, ये बिल्डिंग्स आपकी हो जाती है ग्रीन बिल्डिंग्स हो जाती है। चलिए, अभी महानगरों में तो एकदम कंपल्सरी हो गया है, और पहले ये रूल था 50 हेक्टेयर के ऊपर बिल्डिंग है तब आपको इसको फॉलो करना है, बट अभी आप छोटी छोटी बिल्डिंग्स भी फॉलो कर रही है। इसके लिए इंडिया में इसको देखता कौन है? इंडिया में कोई देखने वाला होना चाहिए ना। अपने इंडिया में तो ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं, अगर कोई देखने वाला नहीं तो हम हेलमेट नहीं लगाते, तो ये ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो करेंगे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। नहीं, इसके लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल यहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको देखता है, और वो देखता है कि आप सही से कर रहे हो क्या, उसके बाद वो रिवार्ड्स देता है आपको, ठीक है? रिवार्ड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी बिल्डिंग्स ग्रीन बिल्डिंग्स के थ्रू बनी हुई है, मतलब कि ग्रीन बिल्डिंग के सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, तो आप ज्यादा प्राइस में सेल कर सकते हो। एक और बेनिफिट होता है क्या, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आपको लुभाने के लिए FAR आपको 5% एक्स्ट्रा देने के लिए बोला है, ठीक है? अगर आप लोग अपनी बिल्डिंग में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, तो 5% FAR आपको, फ्लोर एरिया रेशियो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसकी वजह से महानगरों में मैक्सिमम बिल्डर्स यूज करें ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को, ठीक है? अब इसमें एक और चीज बताऊं, ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट में भी एक जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स होती है, एक होती है नॉन जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स। जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स में इतना ज्यादा एनर्जी बन जाती है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो जाती है कि उसको हम सेल भी कर सकते हैं, बट नॉन जीरो में कम बनती है, ठीक है? अब जो ये इंडियन ग्रीन बिल्डिंग्स काउंसिल है, ठीक है, इसके अलावा एक वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भी है, बट इंडिया के लिए जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है काउंसिल है, इसका एग्जामिनेशन भी होता है, तो आप भी इसके मेंबर्स बन सकते हो, ठीक है? अब इसको चेक करने के लिए, ठीक है, इसकी वेबसाइट पर आप जा सकते हो, वेबसाइट से आप वहां पे एग्जामिनेशन होता है, अगर आपको इसके मेंबर बनना है तो आप एग्जामिनेशन देके सिर्फ जैसे कि कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसको क्रेडिट देने के लिए कि एग्जैक्टली ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने फॉलो किया है कि नहीं किया है, उसके लिए ऑडिट होता है, हर एक 3 साल पे ऑडिट होता है। आप जाके वहां पर देख सकते हो कि हाँ जी बिल्डिंग सही बनी है, सही से इसमें रूल फॉलो हो रहा है, उससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है? इसके लिए
हर 3 साल पे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आपको आपके यहाँ पे ऑडिट करती है आपके कॉलोनी में, आपके जहाँ पे भी आपने सोसाइटी बना रखी है। अगर आप सब कुछ सही है तो आपको रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। कैसी रेटिंग होती है वो? रेटिंग होती है कि मिनिमम 50% आपका ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो आपको जो रिवार्ड्स मिलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उससे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, 59% के ऊपर कर रहे हो, 60% तक आप कर रहे हो तो ग्रेड होता है। 50 to 59% तक आउटस्टैंडिंग होता है, उसके बाद अगर मतलब कि अच्छा माना जाता है इसको। और इसके बाद अगर आप 60 to 69% तक आप रिवार्ड्स पा रहे हो, आप लोग सर ये रिवार्ड्स मिलते कैसे हैं? वाटर का पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, क्रेडिट मिलेगा आपको। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, क्रेडिट मिलेगा आपको। आपकी जो बिल्डिंग्स है उसमें आप 90% एनर्जी ले रहे हो बाहर से, मतलब सनलाइट से आप ऊर्जा जनरेट कर रहे हो, मीन इन द सेंस कि आप विंडो बड़े बड़े यूज कर रहे हो, तो उससे भी क्या होगा, आपको रिवार्ड्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हो ना। अगर सूरज की रोशनी से आपके घर में लाइट आ रही है तो डेफिनेटली रूम में अंधेरा नहीं रहेगा, तो उससे आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी को सेव कर रहे हो, तो उसका भी रिवार्ड्स मिलता है, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, प्रॉपर रिसाइकल मटेरियल यूज कर रहे हो क्या? अगर यूज कर रहे हो तो उसका भी रिवार्ड्स मिलेगा। आपके जो सोसाइटी का जो वेस्टेज है, वेस्टेज को रिसाइकिल कर रहे हो क्या, उसका भी रिवार्ड्स मिलेगा। ये सब मिल के आपको रिवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। और अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जो इसको एक होटल है दिल्ली पे, और साथ ही साथ एक आपका इंफोसिस की बिल्डिंग है, वो जो कि 70 to 79 की कैटेगरी में आए हुए, जो कि एक अच्छी कैटेगरी होती है वर्ल्ड लेवल पे। और साथ ही साथ इसके बाद आपको 100 तक जा सकते हो अगर आप पूरी तरीके से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। तो ये है ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। इसके थ्रू हमें बिल्डिंग्स को थोड़ी सी हम कॉस्टली बेच सकते हैं, बेचते भी हैं बिल्डर। और अब आप बोलोगे सर फिर इसको क्यों ले, क्योंकि ये कॉस्टली है। हाँ, ये एक बार में जब पहली बार आप खरीदोगे इसको तो कॉस्टली पड़ेगा, इसका प्राइस ज्यादा रहेगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है, आपकी निगेटिविटी कम है, क्योंकि ट्रीज वगैरह बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हो आप, ठीक है। निगेटिविटी कम है इसके अंदर, वास्तुशास्त्र यूज किया जाता है, ठीक है। पंचमहाभूत आपको पता है ना, पंचमहाभूत सुना होगा आप सबने, आकाश, पृथ्वी, जल और क्या बोलते हैं ये सब कुछ आपका क्या बोलते हैं वायु, तो इनको पृथ्वी, इन सबको मिला के आप इन सब के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इन सबको कॉन्सेप्ट को फॉलो करके अगर बिल्डिंग बना रहे हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव बिल्डिंग्स होगी। तो ये सब चीज़ें आपको ग्रीन बिल्डिंग के अंदर करना पड़ता है। इसके थ्रू आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। सर्टिफिकेशन अगर आपके बिल्डिंग्स का है, या होटल का है, या फिर बैंक का है, सबको लिए कर सकते हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का है, तो आप सबके लिए सर्टिफिकेशन ले सकते हो। सर्टिफिकेशन अगर आपने लिया है तो आप इसको ज़्यादा प्राइस में, अगर होटल है तो ज़्यादा चार्जेस में। दिल्ली में ऐसे होटल्स हैं जो कि इसके लिए 1 लाख पर नाइट चार्ज करते हैं एक रूम का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स का उन्होंने सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, ए ग्रेड का सर्टिफिकेशन है उसकी वजह से। तो जो भी बड़े स्टार्स आते हैं, ट्रंप आए तो ट्रंप भी बिल्डिंग में रुके थे, तो ऐसे बिल्डिंग्स में क्या होता है कि वो ये सब रूल्स को फॉलो करते हैं पूरी तरीके से। तो ये था कुछ रूल्स ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड। होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब, अब ये ध्यान देना, पेड़ पौधे नहीं। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब एनर्जी को सेव करना और इन्वायरमेंट के लिए बिल्डिंग्स को अच्छा बेहतर बनाना, जिससे कि कम से कम इन्वायरमेंट डैमेज हो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स बोलते हैं। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करना कि हाँ सर अच्छा लगा, समझ में आया ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना तो नीचे कमेंट करो। क्यों? क्योंकि यार हमें पता नहीं कि आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो कमेंट करोगे तब हमें पता चलेगा, तो हम आपके पास आएंगे। और यहाँ पर एक अपना ही कोई स्टूडेंट था, उसने यहाँ पर कमेंट किया था, तो मैंने सोचा ठीक है उनको बता देता हूँ। और थैंक यू, आपने कमेंट किया तो मुझे पता चला कि आपको चाहिए। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और आपको अगर जानना है कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट काउंसिल का अगर सर्टिफिकेशन लेना है तो कैसे मिलेगा, एग्जाम कैसे क्वालिफाई करेंगे, तो नीचे कमेंट करना। उसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो भी बता दूंगा आपको, तो आप पढ़ के आप उसके लिए एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।